तो गाइज आज के गेम प्ले में इतनी सारी किल निकालने के बाद भी यहाँ पर लग नहीं रहा था कि भाई मुर्गी मुर्गी डिनर हो पाएगा, लेकिन जैसे तैसे करके यहाँ पर भाई हमने अपना काम चला ही लिया और भाई काम बन गया। खैर ये सब सीन थोड़े आगे जाकर के होंगे तो यार उस सीन को तो हम देखेंगे। और भाई जैसे कि आपको पता है भाई यहाँ पर अतरंगी लोग और भाई यहाँ पर अजीब अजीब से माइंड सेट के लोग तो मिलते रहते हैं, इसमें सोचने वाली बात क्या। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मेरे बड़े भाइयों और उनके छोटे बहनों कैसे हो, स्वागत करता हूँ आज आपका एक और BGMI के गेम प्ले वीडियो में, जहाँ पर मैं करता हूँ अपनी घिसी पिटी कमेंट्री और आप लोगों को देखने के लिए मिलता है इसके साथ साथ एक बहुत ही नकली से एंटरटेनमेंट। नीचे उतरता हूँ भाई, पैराशूट से उतरता हुआ एक बंदा दिखता है, हाथ में DP आती है। देखो आगे पैराशूट वाला भाग गया, एक नॉकआउट हो गया। अभी एक और बचा जो कि 3 नंबर को नॉकआउट करेगा। फिर क्या, ऊपर जाता हूं बचाने। Watch out! अब इसको तो पकड़ लिया। अब तुम सोच रहे होगे कि भाई पैराशूट वाला तो भाग गया, तो भाई अभी यहाँ पर तुम एकदम गलत हो, वो भी मुझे मिलेगा, मेरे ख्याल से वो वही होगा। तो अभी यहाँ पर भाई रोजोक की पहाड़ी पर जाता है क्योंकि गोली चलने की आवाज आ रही थी। गोली की आवाज को सुन ही रहा होता हूं, इतने में फुर्सत आते हैं, मुझे लगता है कि भाई बॉट है लेकिन असली बंदा होता है और भाई वो शायद पैराशूट वाला ही होता है। देखो अब इसका नाम होता है गीतू कुमारी, तो भाई ये कोई कुआरी होगी तो इसकी तो यहाँ पर पेटी बन गई। खैर यहाँ पर नीचे आते क्योंकि गोली चलने की आवाज़ आ रही थी। जैसे कि तुमको पता है खिड़की पे यहाँ पर भाई बैठता हूँ और आगे की तरफ गाड़ी दिखती है जो कि रुकी हुई होती है, और खिड़की से निकलते ही लग रहा था बच के निकल जाएगा लेकिन जैसे तैसे पकड़ लिया। खैर आगे की तरफ टोटल 2 बंदे होते हैं। ये अपने पार्टनर को रिवाइव दे देगा लेकिन मैंने ठान लिया था कि भाई मैं इनके ऊपर इतनी सारी नेड और मौली की बरसात करूंगा कि इनके पेटी तो बना के रहूंगा मैं। इतनी सारी नेड और मौली के बाद भी कोई कैसे जिंदा रह सकता, मैं तो इस बात से हैरान हूं। इसका तो यही मतलब हुआ कि भाई मेरे जो थ्रोएबल आइटम्स है वो हद से ज्यादा नकली है, तो इनसे मैंने भरोसा हटाया और भाई खुद ही अंदर गया। भैया जी सतर्क है, ऊपर चढ़ने से पहले प्री फायर दे दिया। मार्क्ड लोकेशन। अब बस दूसरे वाले के आने का इंतजार था। अब इन दोनों को तो यहीं पर निपट दिया, और इसी के लिए यहां पर तुम लाइक का बटन दबा सकते हो और भाई चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। अब थोड़ी देर बाद यहां पर 4 नंबर ऑफलाइन चले जाता है और भाई कोई उसकी पेटी बना जाता है, तो हम सीधा गाड़ी को पकड़ के भाई 4 नंबर के पास पहुंचते हैं। और उसके बाद क्या होता है, एक पल के लिए यार ये बॉट लगा लेकिन ये बॉट नहीं था। पता है क्यों? क्योंकि बॉट तो यहां था। इसके बाद यहां से गाड़ी को लेकर के भाई निकलने ही वाले होते कि बीच मैदान में बंदा दिखता है। अब इसकी जैसी पेटी बनती है तो मॉन्क लिख के आता है, तो भाई तिब्बत से हो क्या। इसके बाद हम यहाँ से निकल जाते हैं सीधा अपार्टमेंट में। अपार्टमेंट में जाने के बाद मैं बॉट फायरिंग देता हूँ और उसके बाद भाई एक बंदे के फुटस्टेप आने लगते हैं और वो कब 1 से 3 बन जाते पता ही नहीं लगता। अब वो नीचे के फ्लोर में होते हैं, मैं ऊपर के फ्लोर में, और यहाँ पर मैं नेड करता हूँ। अब जैसे ही ये बॉम्ब फटा तो ये फुटस्टेप 1 से 2, 2 से 3 हो गए।
दाल थोड़ी काली है तो संभल के रहना पड़ेगा। अब यहाँ पर मैं एक और नीड करता हूँ तो देखो क्या होता है। सेम बंदा फिर से नॉकआउट हो गया। मुझे लगा भाई इस बार पेटी बन जाएगी, पर यहाँ पर यह तो रिवाइव हो गया था। अब यहाँ पर खैर मैं दूसरे वाले पे नेड करता हूँ। फटाक से जाकर के दोनों की पेटी बनाता हूँ। तीसरे वाले की भी आवाज आती है बाहर से। तीसरे वाले की भी पेटी डाल दी और इसी के साथ साथ इसकी किल भी टपा ली। तो तुम इसी के लिए यहाँ पर लाइक का बटन दबा सकते हो और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। अब मुझे यहाँ पर यह समझ नहीं आ रहा था कि भाई ये तीन तीन था, उसके बाद भी इनके यहाँ पर इतनी क्यों फट रही थी। खैर यहाँ पर बग्गी को लेकर रोजॉक पहुंचता है क्योंकि तीन नंबर नॉकआउट हो जाता है। फिर क्या, आगे बढ़ता हूं और वो बंदा मुझे दिखता है और इससे पहले वो तीन नंबर की पेटी बना जाए कि उसको फायरिंग देता हूं। अब इसको नॉकआउट करने के बाद आगे बढ़ ही रहा होता हूं कि मेरे पीछे भी एक बग्गी आ जाती है। अब नंबर टू नंबर थ्री के पास पहुंच गया था तो भाई मुझे लगा रिवाइव दे देगा, लेकिन भाई नहीं। अब इतनी सारी मेहनत बचाने के लिए की, लेकिन भाई वो तो बचा नहीं। अब यहां पर मैं फंस गया, लेकिन यार मेरा भी फंसने का एक अलग ही यहां पर मजा है। खैर यहां पर अब मैं इसके बाद नेड करता हूं। अब इसका सीन क्लियर करने के बाद भाई मैं पीछे की तरफ जाता हूं उन बंदों के पास, लेकिन ये तो गाड़ी को लेकर के फरारी हो रहे होते हैं। इतनी देर से पीछे से मुझे परेशान किया, अब जब मेरी बारी आए तो भाग रहे हैं। खैर अब इनके ऊपर तुम्हारा क्या टाइम वेस्ट कर रहा हूं भाई। थोड़ी देर बाद ये लोग भी यहां से भाग जाते हैं क्योंकि इन्होंने भागने का इरादा कर ही लिया था। तो हम दोनों भी यहां से बग्गी को लेते हैं और भाई सीधा ड्रॉप की तरफ निकल जाते हैं। और जैसे ड्रॉप के पास पहुंचते तो एक बंदा ऐसे खड़ा होता है जैसे उसके पापा का गार्डन हो। अब मैंने इस बंदे को कहा कि भाई हम भी यहां खड़े, ऐसे कैसे। खैर यहां पर अब गोली पड़ेगी। बग्गी को बाजू में लगाया था कि बग्गी को ना फोड़ दे, उसके बाद थोड़ा बूस्ट अप। आगे जाता हूं फिर क्या होता है। अब भाई मुझे लगा मामला खत्म हो गया, लेकिन भाई एडब्ल्यूएम का फटका। खैर दो नंबर भैया आते रिवाइव देते और उसके बाद सीधा मैं बूस्ट अप भी नहीं लगाता और फायरिंग चालू क्योंकि बंदा दिखा यार। अब इस सामने वाले बंदे को देख ही रहा होता कि एडब्ल्यू का फटका पड़ जाता है। तो यहाँ पर रिवाइव शिवाइव का गेम चालू होता है और यहाँ पर मैं कैप्सूल मंगा लेता हूँ। कैप्सूल में लेवल 3 की हेलमेट और जैकेट को पहनता हूँ और यहाँ से सीधा पीछे की तरफ हट लेता हूँ। पत्थर पे ये क्या साला? अब भाई पत्थर पे है कि पहाड़ पे है इसका अंदाजा अभी मुझे तो नहीं है। लेटा आया तेरी माँ की है। जद लेटे बंदे ओपन में। शील्ड तो मेरे पे भी नहीं है, इसकी माँ की है। शील्ड लेगी मेरे पास, जो शील्ड पकड़ो। रिवाइव देने के बाद मैंने सोचा कुछ तो करना ही पड़ेगा और उसके बाद आगे जाता और एक बंदा दिखता है ओपन में लेटे साले पत्थर के पास। लेटा एक बंदा दिख रहा है। पीछाओ। ये बंदा चैलेंजर अच्छा था भाई, तीन तीन बार नॉकआउट कर दिया। लेकिन आगे जो होने वाला है इसके बाद तुम लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। बट तेरी बहन की चीज ओपन में लेटा। अब यहाँ पर हमारे भाई का दिमाग थोड़ा ज्यादा गर्म हो जाता है। ओपन मार के लेट गया, मारने चला था। खैर यहाँ पर पेटी को लूटते हैं। आराम से लूटो, कोई दिक्कत नहीं है।
मैंने कहा दिक्कत कैसे नहीं है भाई, पीछे की तरफ से गाड़ी जा रही है, तो यहाँ पर सीधा AWM को उठाता हूँ और अब जो शॉट मारूंगा ना इसके लिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। तुम लोगों को क्या लगा 8x लगा के मारूंगा भाई इस शॉट के लिए? तो यहाँ पर लाइक और सब्सक्राइब बनता है ना भाई, रेड डॉट से मारा तो यहाँ पर अब 8x को ढूंढ रहा होता हूँ। I got supplies. तो फिर क्या था, इसके बाद यहाँ से 8x उठाया और यहाँ वहाँ मटक ही रहा था और मटकते मटकते उसके बाद एक बंदा दिखता है या उसकी आवाज आती है, देखो ना। बंदे एक फटका और सीधे बंदे की पेटी। यहाँ पर पीछे का क्या मतलब, फिनिश हुआ डायरेक्ट? अरे एकदम भाई, बिल्कुल फिनिश हो गया, क्यों नहीं होगा फिनिश भाई, आखिरकार हमने यहाँ पर फिनिश किया तो पूरी तरीके से पेटी बनी जाएगी ना। तो भाई इसके बाद यहाँ पे आखिरी वाले बंदे को ढूंढ रहे थे और भाई ढूंढते ढूंढते ऐसा लग रहा था कि भाई ये नाटक चल रहा है या बंदा सच में है भी, कहीं मिल ही नहीं रहा था। लेकिन इसके बाद ऊपर है पहाड़ पे, अब हमारे भाई ने बोला कि भाई बंदा पहाड़ पे है तो मैं उसी तरफ बढ़ रहा था। अब यहाँ पर तुम्हें पता चलेगा कि मैं गेम के शुरू में क्यों कह रहा था मेरा मुर्गी मुर्गी डिनर होना मुश्किल हो गया था इतनी सारी किल के बाद भी। आया साला, दिख गया, दिखा इस पहाड़ पे। मैं बेंच एक फटका मारा उसके बाद भी पेटी नहीं बनी, गरीबी में आटा गीला। अब यहाँ पर भाई मुझे 21 किल की खुशी मिल नहीं पाई, जैसे कि मैंने कहा था ना यार कि भाई यहाँ पर मुर्गी मुर्गी डिनर होना मुश्किल हो जाएगा, लेकिन जैसे तैसे यहाँ पर भाई मुर्गी मुर्गी डिनर हो गया। तो यार उम्मीद करता हूँ तुम्हें वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आए तो अभी के अभी लाइक कर दो और भाई चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और अब वक्त है भाई तुम्हारे कमेंट्स को देखने का, तो चलो भाई तुम्हारे कमेंट्स को देखते हैं। तो भाई अब मैं तुमसे क्या ही कहूँ, अब मैं तुमसे बस यही कहूँगा कि यार कुल मिलाकर के आज की वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में, टाटा सायोनारा बाय बाय।